हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हिंदी गार्डन में। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट में कितने सारे कीड़े लग गए। देखिए, ध्यान से देखिए, इसे सफ़ेद मच्छी कहते हैं, आप लोगों के भी होगा। देखिए, ठीक से देखिए, ध्यान से देखिए, और इसको ख़त्म करने का पूरा सिस्टम देखिए। इसी प्याज से मैं बताऊँगा। प्याज देख रहे, हर किसी के घर में है। एक पैसा भी खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसको देखिए। तो इस प्याज के छिलके को आप आराम से ले लीजिए, फिर उसके बाद इस छिलके को कोई जार लीजिए, कोई डब्बा लीजिए, उसके अंदर दीजिए। 6 से 7 घंटे के बाद इसका पानी जो है किसी छगने के सहारे आप इसको निकाल लीजिए। देखिए, पूरा प्रोसेस ठीक से देखिए, आपको एक पैसा भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत रिजल्ट मिलेगा 10 मिनट के अंदर। मतलब आप स्प्रे करते करते ही आपका पूरा 100% काम ही रिजल्ट देगा। अब प्याज तो हर किसी के घर में रहता है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके घर में अगर ज़्यादा आपके पास टब, ठीक से देखिए, एकदम आराम से इसको एक बोतल के अंदर भर लीजिए। भरने के बाद दोस्तों, इसको जो स्प्रे मशीन है, ठीक है, शायद होगा आपके पास, अगर आपके पास फूलों का या फिर फलों का कोई पेड़ है, तो देखिए आराम से इसको घुमा लीजिए, टाइट कीजिए, और देखिए ठीक ऐसे ही आराम से इसके ऊपर। पहले ये सब प्लांट पे कितने सारे फूल खिलता था, लेकिन आज पूरा मर गया है। देखिए, एक दो नहीं दोस्तों, पूरा का पूरा, मतलब मेरे पास 10-15 ठो टब में मैं इसको लगाया था प्लास्टिक के बोतल में। देखिए, पूरा ख़त्म हो गया है। फूल का साइज भी एकदम छोटा छोटा हो गया है, और कीड़े से भी एकदम पूरा भर गया है। देखिए, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। तो फिर मैंने एक आइडिया लगाया, फिर उसके बाद इसको मैंने खुद प्रयोग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने यूज़ किया है, रिज़ल्ट मुझे मिला, बहुत ही अच्छा खासा रिज़ल्ट है। आपको बाज़ार से ना ही नीम तेल खरीदना पड़ेगा, या फिर कोई कीटनाशक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार घर में ट्राई कीजिए, कम से कम एक टब, मतलब एक पॉट पे यूज़ कीजिए। आपको रिज़ल्ट मिलने के बाद ही आप हर ज़िंदगी भर आप यूज़ करेंगे। देख सकते कैसे कीड़ा लग गया है, कोई भी कीड़ा हो आप देख सकते हैं। देखिए, मैं हाथ में ले रहा हूँ, देखिए देखिए कैसे चल रहा है। देखने से लगेगा मर गया है, लेकिन देखिए चल रहा है, जिंदा है। इतने सारे कीड़े, मतलब पूरा आपका बगान को ख़त्म कर देगा। टेरिस गार्डन में आपका जितने भी प्लांट रहेगा, सब के सब को ये खा जाएगा। पूरा अंदर का जो रस है, पूरा ख़त्म कर देता है ये लोग। तो इसके ऊपर आपको बस कुछ नहीं, प्याज का पानी जो है एकदम पूरा, मतलब भिगो दीजिए, ठीक से भिगो दीजिए, और भिगोते भिगोते ही आपको नज़र आएगा कि ये सब नीचे गिर रहा है। हाँ दोस्तों, रिज़ल्ट एकदम तुरंत मिलेगा। आप स्प्रे करते जाइएगा, और 10-15 मिनट के अंदर ये एकदम पूरा खाली हो जाएगा, सब नीचे गिर जाएगा, और कम से कम 10 से 15 दिन दोबारा ये नहीं आएगा। तो महीने में कम से कम अगर आप 2 दिन इसको यूज़ करते हैं, तो आपको कोई बाज़ार से कीटनाशक खरीदने की एक पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, और हमारे चैनल में अगर आप आए हैं तो आपको हमेशा ऐसा ही टिप्स मिलेगा कि कम पैसा खर्चा करके कैसे क्या किया जा सकता है। देखिए, आप देख सकते हैं, मतलब हर प्लांट पे कैसे पूरा कीड़े लग गया है। इसीलिए मैंने इस सारे चीज़ों को एक साइड में कर दिया है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कैसे कीड़े से भर गया है। देखिए, जैसे मैं कर रहा हूं, आप लोग को शायद दिख रहा है कीड़े, तो ऐसे ही पूरा एकदम, मतलब पूरा भर दीजिए प्याज के पानी से। देखिए, पूरा भर दीजिए। मैं मोबाइल को नीचे लेकर आता हूँ, देखिए आप, देखिए स्प्रे करते करते ही देखिए गिरना शुरू हो गया दोस्तों। देखिए, छोटा छोटा सफ़ेद सफ़ेद है, दिख रहा है आप लोगों को।
एक बार आप ट्राई कीजिए, आप जिंदगी भर दोबारा कोई मेडिसिन नहीं खरीदेंगे। और दोस्तों 3-4 दिन के बाद देखिए मेरा जो मतलब यही जो सब कुछ प्लांट है इसमें किस तरह का फूल खिलेगा, ठीक है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। मतलब आपको ज़्यादा दिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कोई भी ये जो प्याज का पानी है इसको आप किसी भी मतलब पेड़ पे लगा सकते हैं, किसी भी पौधे पे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद कर रहा हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ बैगन है, हर तरह के गुलाब का फूल है, मतलब किसी भी आप पौधे के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मुझे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा खासा मिला है, इसीलिए मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग को भी मालूम चले और बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप देखिए गुलाब का पौधा है, ठीक है, और ये देखिए दोस्तों सेम वही पौधा है, ठीक है, पहले फूल नहीं खिलता था लेकिन अब देखिए, अब खुद ही देखिए ढेर सारे फूल खिलना शुरू हो गया है 2-3 दिन के अंदर ही। देखिए अब देख सकते हैं, इसी पौधे पे मैंने प्याज का हर तरह से पानी को कैसे दिया था, मतलब एक भी फूल नहीं था, आप लोगों ने देखा। और देखिए ये पार्ट में 3-4 दिन के बाद रिकॉर्ड किया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों।